सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक बताने जा रही हूँ वो है हमारा फिनाइलएलनिन एंड टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। फिनाइलएलनिन एंड टायरोसिन, फिनाइलएलनिन और टायरोसिन क्या चीज़ है इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि फिनाइलएलनिन और टायरोसिन जो है ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है या फिर हम लोग बोले डिफरेंट हार्मोन्स का जो हार्मोन्स हुआ या डिफरेंट ऑर्गन्स हुआ, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हुआ, अलग अलग चीज़ों का जो फॉर्मेशन होता है उसमें फिनाइलएलनिन और टायरोसिन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका रोल है। तो हमने इस प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ग्लाइसिन है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, उसके मेटाबॉलिज्म से बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से हमारा जो फिनाइलएलनिन है और टायरोसिन है ये हमारे अमीनो एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के ग्रुप हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि फिनाइलएलनिन एंड टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उससे हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जनरली सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फिनाइलएलनिन जो है और टायरोसिन जो है इसके अंदर जो रिंग लगी होती है वो एरोमेटिक रिंग होती है। एरोमेटिक रिंग मतलब उसके अंदर जो नाइट्रोजन ग्रुप होगा वो रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा, इसका मतलब होता है एरोमेटिक इन रिंग। तो हमारी जो फिनाइलएलनिन और टायरोसिन का जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। तो इनका जो नेचर होगा वो एरोमेटिक रिंग होगा लाइक दिस और नाइट्रोजन ग्रुप इनका रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर हमारे फिनाइलएलनिन और टायरोसिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिनाइलएलनिन जो है वो हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आता है, एसेंशियल अमीनो एसिड, ये हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड है। बट टायरोसिन जो है हमारा ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट कर दिया है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो टायरोसिन जो फिनाइलएलनिन है ये एसेंशियल है, टायरोसिन है वो नॉन एसेंशियल है। दोनों में क्या दोनों के स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, जो रिंग प्रेजेंट होगी वो एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि फिनाइलएलनिन और जो हमारा टायरोसिन है ये हमारे अमीनो एसिड्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये वहीं से इनका ड्राइव हुए हैं। ये एसेंशियल है फिनाइलएलनिन, लेकिन टायरोसिन है वो नॉन एसेंशियल है और इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के अंदर आएंगे कि जो हमारा फिनाइलएलनिन है, फिनाइलएलनिन जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है, हमारा जो फिनाइलएलनिन है ये फॉर्मेशन करता है टायरोसिन का। किसका फॉर्मेशन करता है, टायरोसिन का। तो फिनाइलएलनिन से हमारा क्या चीज बना, टायरोसिन। टायरोसिन कैसे बना, हाउ। तो फिनाइलएलनिन का कन्वर्जन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज, एज लगा हुआ है इसके अंदर। तो फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ये किसमें कन्वर्ट करता है, फिनाइलएलनिन को हमारा टायरोसिन में कन्वर्ट होने में ये हेल्प करता है। और वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, O2 कन्वर्ट हो जाता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल को, उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब ये इसके एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा जो 4-hydroxybiopectin है, ये 4-hydroxybiopectin जो हमारा है एंजाइम
जरूरत होती है, बिना एंजाइम के, बिना कोएंजाइम्स के हमारी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो एंजाइम कौन सा हमको चाहिए है? फिनाइलएथिलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, पहली चीज। दूसरी, हमको कोएंजाइम किसके फॉर्म में चाहिए है? ये विटामिन्स है, विटामिन का कोएंजाइम कौन सा? 4-hydroxybutyrate जो कि कन्वर्ट होता है 2-hydroxybutyrate में। इतना आपको याद रखना है, एक एंजाइम इसमें यूज होता है और दूसरा हमारा कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है? 4-hydroxybutyrate जिसका कन्वर्जन होता है 2-hydroxybutyrate में। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स हमारा जो फिनाइलएथिलीन है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर। तो हमने सबसे पहले ये देख लिया कि हमारी बॉडी के अंदर जो फिनाइलएथिलीन है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? टायरोसिन के अंदर, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम्स, कोएंजाइम की प्रेजेंस में। कौन सा एंजाइम? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा कोएंजाइम? 4-hydroxybutyrate जो कि हमारा विटामिन है, ठीक है। विटामिन से डेराइव हुआ है, डेरिवेटिव है, जो कि 4-hydroxybutyrate कन्वर्ट होकर 2-hydroxybutyrate के अंदर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो टायरोसिन है, ये टायरोसिन जो है हमारा ये बेसिक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फिनाइलएथिलीन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो फिनाइलएथिलीन है ये हमारा क्या करता है? टायरोसिन को बना रहा है, जो कि हमने यहाँ पे देखा फिनाइलएथिलीन इसका सिंथेसिस कर रहा है, टायरोसिन का सिंथेसिस कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फिनाइलएथिलीन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? हमारा टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो हमारा ये टायरोसिन है, ये टायरोसिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा जो बोलना चाहिए बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है। कौन? टायरोसिन। फिनाइलएथिलीन किसमें कन्वर्ट हो गया? टायरोसिन में। अब जो टायरोसिन है हमारा जो, ठीक है, ये टायरोसिन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब इसमें देखिए टायरोसिन किसकी सिंथेसिस करता है? टायरोसिन जो है वो सबसे पहले सिंथेसिस करेगा मिलेलिन्स। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर वन मिलेलिन्स। मिलेलिन्स क्या होते हैं? ये ऐसी चीजें होती हैं मिलेलिन्स, ये ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सबको पता है किसी का स्किन डार्क होता है, किसी का स्किन लाइट होता है, किसी का स्किन एकदम फेयर होता है। ये सब हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज ऑल आर ड्यू टू मिलेलिन पिगमेंट्स, क्योंकि मिलेलिन पिगमेंट्स है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो जो मिलेलिन कंपाउंड से हमारे जो कि हमको कलर प्रोवाइड करते हैं जो ऐसे पिगमेंट्स, वो हमारे मिलेलिन कहलाते हैं। तो क्या कहाँ कहाँ हमको कलर प्रोवाइड करते हैं? लाइक स्किन, जो हमारी ह्यूमन स्किन है उसको कलर देती है, ठीक है। हेयर है, हमारे बाल काले होते हैं,
ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि हमारा सिग्नल जो बॉडी का होता है वो ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक जो पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, जिसको हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के एग्जाम्पल के अंदर ही हम ये समझ सकते हैं दैट डोपामिन हो गया, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर आती हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर आती हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करना। तो हमारे जो हमारा टायरोसिन है ये न्यूरो ट्रांसमीटर से बना होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, जो कि हमारे जो एड्रिनल मेडुला है वहाँ से ये निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये फॉर्मेशन करते हैं उससे हमारा क्या होता है कि बॉडी के अंदर अगर हमको सिग्नल्स ट्रांसफर करना होता है तो हम लोग इसी न्यूरो ट्रांसमीटर से ही बॉडी के अंदर होता है। तो अगर ये साइकिल जो कन्वर्जन है फिनाइलएलनिन से टायरोसिन बनने वाला, ये अगर साइकिल स्टॉप हो जाएगी, नहीं होगी, तो बॉडी के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर बनने का जो एक पार्ट होता है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर बनाने के लिए, टायरोसिन। और टायरोसिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, हमारा फिनाइलएलनिन से। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी साइकिल है, नेक्स्ट जो हमारा वो है थायरोक्सिन THT, जिसको हम लोग थायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। ये थायरॉयड जो ग्लैंड होती है, ये थायरॉयड ग्लैंड का फॉर्मेशन भी हमारा कौन करता है, हमारा टायरोसिन करता है। टायरोसिन हमारा कहाँ से बनता है, टायरोसिन हमारा फिनाइलएलनिन से बनता है। फिनाइलएलनिन हमारी कन्वर्ट होती है टायरोसिन में, और टायरोसिन किसका सिंथेसिस करता है, थायरॉयड का। और थायरॉयड हार्मोन जो होता है हमारा वो डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो आज की यूनिट में हमने देखा कि फिनाइलएलनिन